तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरह से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आज हम इस बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है एबीएस का। एबीएस मतलब कि एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या होता है कि डेटा में हमारे पास कहीं कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लस में कुछ माइनस में डेटा आ जाता है, तो मुझे प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग करना होता है। मतलब कि जो माइनस इसको प्लस में करना हो, प्लस को प्लस में रखना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तो मान लीजिए कि ए आपने आपकी सैलरी 35,000 मान लीजिए आपने सैलरी उठाया और 5,000 का आपने कैशबैक उठाया क्रेडिट कार्ड से, तो उस महीने की इनकम आपकी कितनी हो गई? इनकम आपकी हो गई 40,000। लेकिन जो आपकी कैशबैक का डेटा है वो तो माइनस में आएगा ना। क्या सर? जो कैशबैक का डेटा है वो तो माइनस में आएगा। राइट? तो आप टोटल करेंगे तो 30,000 दिखाएगा, जबकि 40,000 आपका इनकम है। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है एबीएस का। एबीएस फॉर्मूला क्या करता है कि वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है बट नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो आप इसका इस्तेमाल लगा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। हालांकि सिंगल इसका यूज बहुत कम है, लेकिन किसी फॉर्मूले के साथ जब लगता है तो एक अच्छा खासा रिजल्ट देता है, एक अच्छा खासा रिजल्ट देता है। ओके? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे का जो टॉपिक हमारा होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें आगे का जो फॉर्मूला है वो है एग्रीगेट का फॉर्मूला। आप यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर जाते हैं रेफरेंस में, अगला फॉर्मूला एग्रीगेट का मिलता है। अब एग्रीगेट फॉर्मूला क्या करता है? अब देखिए, एग्रीगेट फॉर्मूला को समझाने के लिए मुझे लेना होगा एक डेटा। तो चलिए हम इसी डेटा को ले लेते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट और सब टोटल, दोनों फॉर्मूला सेम होता है। वैसे मैं लास्ट में यहां गया और यहां पे हमने बहुत ज्यादा डेटा होता उस डिलीट कर देते हैं। यहां पे मैं लगा दिया टोटल। टोटल में मैंने यहाँ पे किया सम, फिर जाहिर सी बात है टोटल में सम करते हैं, तो चलो मैंने भी सम कर लिया। यहाँ टोटल 14,542 मुझे दिख भी रहा, ग्रेट, मैं इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। लेकिन जब मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगाते समय मैं सेलेक्ट करता हूँ मान लीजिए कविता, मुझे यहाँ कविता का डेटा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही नीचे आता हूँ टोटल मेरा कविता का नहीं दिख रहा है। कविता का टोटल आप देखें तो कविता का टोटल यहाँ पे होता है 1333, बट यहाँ 14,000 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। राइट? तो मैं, क्योंकि सम का फॉर्मूला आपका जो है ओवरऑल टोटल देता है, ना कि विजिबल सेल्स का टोटल देता है। यही पे हम एंट्री करते हैं सब टोटल का। तो हमारे पास सब टोटल का फॉर्मूला होता है। सब टोटल में हम सिर्फ सम ही नहीं कर सकते, इसमें हमारे पास मैक्स मिनिमम है, मैक्सिमम है, प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है। इसी में मेरे पास दिखेगा सम का फॉर्मूला और सम में हम इसको सेलेक्ट कर लिए एंड देन ओके। अब देखिए यार टोटल दिख रहा है, लेकिन जब मैं फिल्टर लगाऊंगा यहाँ, जब मैं फिल्टर लगाऊंगा तो फिल्टर लगाने के साथ यहां हम देखेंगे कि 1333 दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि आप तो एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं और आप दिखा दिए सब टोटल,
देखिए एग्रीगेट फॉर्मूला और सब टोटल फॉर्मूला दोनों एक ही है, बस ये कहिए कि सब टोटल फॉर्मूला हमारा पुराना वर्जन है और एग्रीगेट फॉर्मूला हमारा नया वर्जन है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यहां आता है कि अगर डेटा में अगर मैंने कर दिया किसी तरह का एरर, जैसे हमने कर दिया एन ए, तो फिर सब टोटल फॉर्मूला आपका रिजल्ट नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर फॉर्मूले की इनपुट में एरर मिलता है तो आउटपुट भी हमारा एरर ही होगा। अब इसी चीज पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला। अब यहां देखिए यहां पे एग्रीगेट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। एग्रीगेट फॉर्मूला लिया, लेने के बाद यहां भी सेम ऑप्शंस है, तो हमने 9 नंबर को सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर दिया, 9 आ गया। अभी डायरेक्टली 9 टाइप भी कर सकता हूं। उसके बाद यहाँ इग्नोर, तो हमने बोला इग्नोर हिडन एन एरर रो, और फिर इसके बाद हमने अपना रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है बट यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रही है। तो इसका यूज हम सिर्फ, जरूरी नहीं है कि एग्रीगेट फॉर्मूले का यूज हम फिल्टर करते समय ही करेंगे, हम कहीं भी कर सकते हैं जहां आपका डेटा एरर आता है। खासकर जब वीलुकअप वगैरह लगाते हैं तो जो वैल्यू नहीं मिलती है तो एरर आता है। जैसे मैंने 5-6 वैल्यू डाला, किसी में एरर, किसी में रिजल्ट आया और किसी में एरर आया। जैसे किसी में आपका डीआईवी का एरर आ गया तो किसी में आपका एनए का एरर आ गया। तो आप इसमें टोटल करना मुश्किल होता है, तो आप यहाँ पे एग्रीगेट फॉर्मूले से टोटल कर सकते हो। टोटल में मिनिमम मैक्सिमम काउंट काउंट एड ऑफ डिस्टेंट डेविएशन सब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 नंबर को सेलेक्ट किया और हमने सेलेक्ट किया यहाँ, इसको इग्नोर और सेलेक्ट किया अपना डेटा, फिर एंटर प्रेस किया। आपका देखिए ये एरर को इग्नोर करके रिजल्ट यहाँ दे दिया, एरर को इग्नोर किया और रिजल्ट आपके सामने। विदाउट सर इसमें नहीं सर। अब एग्रीगेट के बाद हम बात करते हैं राउंड का। राउंड देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई डेसिमल लिखते हैं, नंबर डेसिमल में होता है, तो इसको राउंड करने के मेरे पास 3 फंक्शंस हैं। पहला है राउंड फंक्शन, जो कि नियरेस्ट वैल्यू को शो करता है। दूसरा मेरे पास है राउंड डाउन, जो कि हमेशा लोअर वैल्यू को शो करता है। उसके बाद आता है राउंड अप, जो कि हमेशा अपर की वैल्यू शो करता है। और जीरो जो दे रहा है मतलब कि हमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। अगर हमें डेसिमल प्लेसेस चाहिए होगा तो जीरो की जगह पे अपना एक नंबर डाले। ओके, क्लियर है सर? लेकिन क्या हो मुझे अगर नंबर को राउंड, नंबर को राउंड करना, तो नंबर को राउंड करने के इसमें यहाँ पे लिखा 15,432। प्रॉब्लम है कि मुझे 50 का मल्टीप्लेक्स करना है या 100 का मल्टीप्लेक्स करना है या 500 का मल्टीप्लेक्स करना है। जैसे आप FD के माने जाते हो तो FD में आप ऐसा नहीं कोई अमाउंट FD करते, FD जो होता है वो 500 के मल्टीप्लेक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग, सेलिंग इसको सेलेक्ट करके सिग्निफिकेंट में हमने दे दिया 500। तो देखिए 500 का राउंड अप हो गया है। और इसी तरह से होता है फ्लोर, या फ्लोर में दोनों एक ही है और हमने यहाँ पे 500 दे दिया तो राउंड डाउन हो गया 500 के अकॉर्डिंग। तो डेसिमल्स को राउंड करने के 3 फॉर्मूले हैं और नंबर को राउंड करने के 2 फॉर्मूले, राउंड अप और डाउन के लिए 2 फॉर्मूले। ठीक है सर? जी जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
मान लीजिए कि मेरे पास डेसिमल्स है, मुझे डेसिमल्स रिमूव करना है। कि डेसिमल रिमूव करने के लिए राउंड डाउन फॉर्मूला ले सकते हो, इसमें जीरो लगा दीजिए तो ए हो जाए, या फिर आपके पास आप दे दीजिए इंट का, इसका फॉर्मूला इंट। इंट फॉर्मूला जैसे डालेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि डेसिमल्स को रिमूव कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब डेसिमल रिमूव हो रहा है तो डेसिमल एक्सट्रैक्ट कैसे हो, जैसे मैं चाहता हूँ डेसिमल को एक्सट्रैक्ट करना, तो वो कैसे हो? तो डेसिमल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सिंपल सा दो मेथड लेना होगा, कि विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, मतलब कि इंट हमने कर दिया। या दूसरा फॉर्मूला आता है मोड का। देखिए मोड फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर शेषफल निकालता है। जैसे मैंने 14 दिया और 5 दिया, अगर मैं 14 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल निकालता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा रिमाइंडर या रिमाइंडर या कुछ होता है ऐसे, मतलब बहुत साल पहले पढ़े थे, हिंदी में हम लोग पढ़े थे शेषफल। जी जी, सर, तो जैसे 5 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 10, राइट? ये मेरा बेटा बोलता है सर पापा एक कट्टन कुट्टी हो गया, और ये आ गया 4। ये जो 4 हुआ ना, मोड इसी को निकालता है, इक्वल मोड, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, आ गया 4 नंबर, 4 नंबर, ठीक है? जी क्लियर सर? क्लियर। आप बोलेंगे सर तो डेसिमल निकालने में क्या फर्क है? देखिए मैथमेटिकल थ्योरी कहता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल 0 आएगा, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में हुआ तो शेष फल डेसिमल आएगा। अब इसका यूज हम बहुत सारे जगहों पे करते हैं, जैसे कि टाइम, हमारे पास टुडे का फॉर्मूला है जो कि डेट देता है सिस्टम का, और हमारे पास एक नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम देता है। सिर्फ टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं क्या? तो जब आप किसी डेट को जनरल फॉर्मेट में करते हैं तो आप देखेंगे कि 44852 दिख रहा है, इसमें डेट हुआ और जो डेसिमल में है वो नंबर। तो मैं यहाँ पे मोड फॉर्मूला लगाऊंगा और मोड फॉर्मूले के अंदर नाउ रखूंगा और हम बोलेंगे भाई इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो शेष फल इस तरह का टाइम, सिर्फ टाइम आएगा, मतलब कि डेसिमल आएगा तो ये डेसिमल टाइम होता है, तो टाइम। और भी बहुत सारी यूज है इसके, तो मोड फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। अब मोड फॉर्मूले के बाद अगला फॉर्मूला हम करते हैं एम राउंड फॉर्मूला। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जैसे कि फैक्ट, फैक्ट फॉर्मूला फैक्टोरियल नंबर दे देता है, फैक्ट डबल और इवन का सिर्फ फैक्टोरियल नंबर देगा, और नंबर ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन का फैक्टोरियल नंबर देगा। तो जैसे आपका एलसीएम फॉर्मूला होता है जो एलसीएम निकालता है, यहाँ पे एलसीएम तीनों को सेलेक्ट कीजिए, तीनों का एलसीएम आ जाएगा। एक होता है जीसीडी जो एमसीएम होता है ना, जैसे कि 55 और 75 दोनों का कॉमन डिवाइडर क्या है? हाइएस्ट, जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कीजिए, 5 है, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक आता है फॉर्मूला एम राउंड। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में दिवाली आ रही है, दिवाली के गिफ्ट बांटना है, आपके ऑफिस में टोटल 17 एम्प्लॉई है और बॉस ने आपने 50 गिफ्ट भेज दिए हैं या अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो प्रॉब्लम यह है कि सबको इक्वल देंगे तो होगा नहीं, कि जाहिर सी बात है 17 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ से तो डेसिमल में आएगा, और किसी गिफ्ट को तोड़ के तो नहीं दे सकते ना, चॉकलेट थोड़ी है कि आधा आधा बांट दिए। तो मुझे कितने गिफ्ट होने चाहिए थे तो जो 17 लोगों को इक्वली डिवाइड हो जाए। मैथमेटिक्स में हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि वो संख्या ज्ञात करें जो 50 के नजदीक हो और 17 से विभाज्य हो जाए, मतलब कि डिवाइड हो जाए।
तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल लगाते हैं यहाँ पे एम राउंड, एम राउंड फॉर्मूला। हम इसको सेलेक्ट करेंगे नंबर को, और यहाँ पे 17 को सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ देखेंगे 51 आ गया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर का होता है फॉर्मूला SQRT, जो कि इसका इसका स्क्वायर रूट निकाल देता है। पाई का फॉर्मूला आता है, जो कि पाई का मान निकाल के दे देता है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं इटरेटिव। चलिए देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूले इसके अंदर। अब कुछ जैसे कि अरेबिक का फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने नंबर यहाँ दिया हुआ है, आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ रोमन नंबर के लिए रोमन का फॉर्मूला, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास आता है अरेबिक का फॉर्मूला। अरेबिक फॉर्मूला में आप देखेंगे कि वापस रोमन नंबर को नॉर्मल नंबर में कर देता है। अब अरेबिक क्यों किया पता नहीं, कि ये तो ये है ना, रोमन है ना, रोमन तो ये रहा। हाँ ये तो सही, देवनागरी है। ठीक है, और बाकी डेसिमल फॉर्मूला है, इवन फॉर्मूला, इवन इवन नंबर देता है, ऑड फॉर्मूला ऑड नंबर देता है। तो मोस्टली फॉर्मूला इसमें हमने आपके साथ कवर कर लिया। पावर स्क्वायर निकालता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, रैंड बिटवीन तो बहुत सारे यूज किए थे हम, राउंड हमने यूज कर ही लिए। सर रैंड बिटवीन तो रैंडम नंबर निकालता है ना, सिंपल। रैंड आप दो नंबर दे दीजिए, मैं बोल दिया कि 1111 और हमने यहाँ पे दे दिया 9999। अब 4 डिजिट की कोई भी नंबर दे देगा आपको, कोई भी नंबर, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। राइट सर, तो इसको कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बात करेंगे सम इफ्स फॉर्मूले के बारे में, ठीक है सर। सम इफ्स फॉर्मूला के बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कॉल कर सकते हैं, नंबर तो सेव ही है मेरा। ओके जी सर।